الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس 8 मैथ में हम लोग एक्सरसाइज 6E पढ़ रहे हैं और 6E के अंदर आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हम लोगों ने मेथड जो यूज़ करना है वो है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये मेथड हमने इस्तेमाल करना है। और जो हमने क्वेश्चन करने हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स करने हैं वो है ए बी एंड सी। ये तीन पार्ट हमारे इंक्लूडेड सिलेबस में है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 इसको देखते हैं और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 15। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड द अदर इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सब्स्टिट्यूशन में ये होता है कि हम किसी एक इक्वेशन को पहले सेलेक्ट करते हैं, उधर से किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर जो दूसरी इक्वेशन होती है उसमें जो है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन हम लोग जो ले रहे हैं बाय इक्वेशन 2 सॉल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है जी, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये y यहाँ माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 प्लस y। ये यहाँ पर हमने x को सब्जेक्ट बना लिया, इसे आपने कह देना है थर्ड इक्वेशन। ये बच्चों आपके पास देखें x सेपरेट हो गया, x की वैल्यू 8 प्लस y आ गई। हमने इक्वेशन 2 सेलेक्ट की थी तो अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में x की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो पुट इन या सब्स्टिट्यूट इन, पुट लिख लें या सब्स्टिट्यूट लिख लें इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है एक्स की जगह पर। इक्वेशन 1 एक दफा लिख लेते हैं, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, एक्स की ये वैल्यू है, एक्स की जगह पर 8 प्लस वाई लिख दें, 8 प्लस वाई प्लस ये 4y इज इक्वल टू 15। ये 8 यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस, ये 1y है, ये 4y है, ये आपके पास 5y हो जाएगा, 15 माइनस 8। तो 5y इज इक्वल टू ये आपके पास क्या आ जाएगा, 15 माइनस 8 इज 7। 5 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 7 ओवर 5 ये y का आंसर आ गया। इस y के आंसर को आप सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 3 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 3। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 में पुट करने से x इज इक्वल टू 8 प्लस y है, y की जगह पर पुट कर दें 7/5। इस 5 का एलसीएम ले लें, 5 टाइम्स 8 इज 40 प्लस 7/5, तो ये आपके पास 47/5 आ जाएगा। ये x का आंसर है। इसको चाहें तो फर्दर डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, वरना यहाँ तक ठीक है। थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पर आपको अगर मेथड समझ आ गया है तो ये चीज़ समझ लें, क्वेश्चन में यहाँ पर 3 है तो मैंने यहाँ पर जो है वो 8 लिख दिया। मेथड आपके सामने है, मैं एक और सवाल आपको यहाँ से करवा देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे इसकी वजह से। मेथड ये है, इसकी मदद से आपने सवाल करना है। एक पार्ट इसका बी पार्ट मैं आपको फर्दर करवा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर जो बी पार्ट है, बी पार्ट कुछ इस तरह है, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, इज इक्वल टू 6। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 आ गई।
and the other equation is x minus y is equal to 5. ये equation number 2 आ गई. तो यहाँ से उसी तरह ही by equation 2 x minus y is equal to 5. y यहाँ minus है, इधर जाके plus हो जाएगा 5 plus y. इसे कह दें equation 3. x यहाँ पर separate हो गया, इसको substitute कर दें इन इक्वेशन वन. इक्वेशन वन है आपके पास 3x plus 6y is equal to 6. x की जगह पर उसकी वैल्यू, यानी x किसके इक्वल है, 5 plus y. तो x की जगह पर 5 plus y पुट कर दें और plus 6y is equal to 6. इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 times 5 is 15. इसके बाद 3y plus 6y is equal to 6. 15 यहाँ प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा और 3 प्लस 6 ये आपके पास 9y और 6 माइनस 15. 9y इज इक्वल टू माइनस 9. 9 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, माइनस 9 ओवर 9, 9 वन जार, तो y आपके पास माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है जी, तो इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 3, क्योंकि हमने x भी फाइंड करना है, अभी सिर्फ y की वैल्यू आई है. पुट इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 है आपके पास x इज इक्वल टू 5 प्लस y. y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, माइनस 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 इज 4. तो x की ये न्यूमेरिक वैल्यू आ गई. तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट बनता है, दैट इज 4 एंड 5, ये आपका आंसर है. ठीक है बच्चों, सी पार्ट आपने करना और फर्स्ट पार्ट को, ए पार्ट को आपने दोबारा करना है. अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा. ये दोनों मेथड हमने कर लिए हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स मेथड भी कर लिया है और हमने एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर लिया है. यही दो मेथड करने थे, जो तीसरा मेथड है वो एक्सक्लूडेड है हमारे सिलेबस में से. तो इसलिए इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा ताकि हम उसको क्लियर कर सकें.